जश्न का आखिरी दिन और होंगे एक से बढ़कर एक धमाकेदार परफॉर्मेंस। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप लोग सब परफॉर्म करने वाले हो साथ में? जी, हमारी टोली है सारी। हाँ, मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा सा आप सुनिए उसका। जरूर। मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार से लेके आया। हाँ, क्या सुना रहे हैं आप? आपके क्या नाम है? फैसल अली सर। फैसल भाई, क्या सुना रहे हैं आप? ऊपर खुद सुनाइए। सर, मैं 8 साल की उम्र का था तो मैं गाना सीखता था जी। 8 साल की उम्र में तो घर के थोड़े हालात ऐसे हो गए कि मेरे पापा को अटैक की प्रॉब्लम है, तो उनको अटैक की दिक्कत है, तो उनके लिए, उनकी वजह से मुझे इस लाइन में आना पड़ा। जब उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई तो उनको मैंने काम छुड़वा के, जब मैं इनके साथ 8 साल का मैं इनके साथ आया था, इनके पास लगा था। ओके। तो इन्होंने मुझे बहुत मेरा ख्याल करा, जो मतलब इनको मैंने अपना बताया, मैंने ऐसे ऐसे मेरा वो है, वो दिख ही रहा है उनकी उनकी आंखों में जो खुशी है आप गाते वक्त, आप देखना चाहिए था। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे हालात हो गए ऐसे ऐसे, तो फिर इन्होंने पहले तो मुझसे काफ़ी चिपट के ये रोए, जब मैंने अपने बारे में बताया तो उसके बाद में तो फिर इन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, जैसा भी है जो हमसे होगा हम आपके लिए करेंगे। तो इनके साथ में 8 साल का मैंने इसके लिए खूब करा। 8 साल का मैं इनके साथ से इस लाइन में, मतलब जो शादी वगैरह होती है, जो लड़के बच्चे वगैरह होते हैं, तो इनके साथ में उसी चीज़ में लग गया था। तो जब से अब तक मैं इन्हीं के साथ हूँ और इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। ये एक बात माननी पड़ेगी, मतलब जिनको खुद समाज इतना तकलीफ देता है, आप दूसरों की तकलीफ को राहत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत सर, बुरे वक्त में मेरे साथ यही काम है, काम पे हूँ तो सिर्फ इनकी बदौलत हूँ। इनर लोग सबसे वो लोग मांगते हैं, दुनिया इनको बुरा बोलती है मगर इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं इस बच्चे के साथ में अपनी औलाद की तरह पाला,